नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मेरे सामने आप जो देख रहे हैं वो है बर्ड EV1। ये है इलेक्ट्रिक गाड़ी, अभी केवल ये शोकेस की गई है, इसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल्स पता नहीं है। बस इतना पता है कि ये दो उनमें रेंजेस में आएगी, एक 200 किलोमीटर की रेंज में और एक 300 किलोमीटर की रेंज में है। चाइनीज़ कंपनी हाइमा जो कि इंडिया में आने वाली है, उसके कोलैबोरेशन में इंडिया के बर्ड ग्रुप ने, जिसका डिवीजन है बर्ड इलेक्ट्रिक, उसके एसोसिएशन में ये मानेसर में असेंबल होगी। ये दो ट्रिम्स में आएगी, 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की रेंज में। तो आई थिंक ये एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार रहेगी। टेक्नोलॉजी इसकी प्रोवाइड करेंगे चाइना के हाइमा ग्रुप, और बनाएंगे इसको मानेसर प्लांट में बर्ड ग्रुप, जो इंडिया का है। बर्ड ग्रुप वही है जिन्होंने सेगवे एटसेट्रा इंडिया में इम्पोर्ट किए थे। तो आइए इसको और क्लोजली एक बार देख लेते हैं। हम ये देखते हैं, ये टिपिकल ये LEDs हैं, टर्न सिग्नल्स, प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स हैं आगे, नीचे ये फॉग लैम्प्स हैं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसको पुश करके खोलेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, एंड दिस आर द चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल फॉर चार्जिंग द कार। तो दो टाइप के चार्ज पोर्ट्स दिए गए हैं, DC फास्ट चार्जर और AC फास्ट चार्जर, और AC चार्जर एंड DC फास्ट चार्जर। और इस तरह से बंद हो जाता है और पूरा फ्लश लुक आपको फ्रंट में दिखता है, कोई ग्रिल नहीं है। अगेन ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें फ्रंट ग्रिल की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम साइड में आएँ तो बहुत ही कन्वेंशनल लुक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं है। सिंपल गाड़ी है, सी पिलर जो है उसको ब्लैक डॉट कर रखा है, प्लास्टिक क्लैडिंग दे रखी है आपको सी पिलर में। यहाँ पे EV1 Plus, तो आई थिंक ये 300 किलोमीटर रेंज का नाम रखेंगे, तो उसकी बैजिंग है क्योंकि अभी इंडिया में नहीं बनाई है। इसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला है, एंड हम अंदर अगर बैठें इसमें तो हम देखते हैं कि सेंटर में आपको पूरा एक डिजिटल कंसोल मिलता है, एक टैबलेट मिलता है, सेरामिक वाइट टाइप मटेरियल में, सेरामिक नहीं है ऑब्वियसली, मतलब गिव्स द लुक ऑफ सेरामिक, प्लास्टिक ही है, और ये काफ़ी पियानो ब्लैक फिनिश, फिर सिल्वर एक्सेंट्स हैं AC वेंट्स में। पूरे कंट्रोल्स दिए गए हैं आपको स्टीयरिंग व्हील पे, और फिर एक और टैबलेट है यहाँ पे बीच में, विच इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये AC वेंट्स सेंटर के ऊपर हैं। नीचे फिर आपके AC कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपके गियर कंट्रोल्स दिए गए हैं, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, एंड देन अगेन यू कैन चेंज मीडिया एंड एवरीथिंग, एंड अगेन स्मॉल पॉकेट हैंड ब्रेक, एंड बेसिकली लुक्स एब्सोल्युटली लाइक अ कन्वेंशनल कार विद डिजिटल डिस्प्ले एंड एवरीथिंग। बट सो आई थिंक वंस यू गेट इनसाइड, बाहर से काफ़ी प्लेन स्टेट है बट अंदर से इसको थोड़ा सा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो मे बी इट विल बी अ लिटिल मोर प्रीमियमली प्राइज्ड इलेक्ट्रिक कार। तो लेट्स सी व्हाट द प्राइसिंग वुड बी, अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है हमें। एयरबैग्स, और ये जो यहाँ पे प्लास्टिक है, इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स डिसेंट क्वालिटी। जो हैंडल्स हैं उनको ये सिल्वर ट्रीटमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको बटन्स दिए हुए हैं ट्रिप वगैरह के, एंड पीछे बूट वगैरह खोलने के लिए, स्टोरेज के लिए एक छोटी बॉटल के लिए यहाँ पे जगह दे रखी है, और बीच में ऐसी कोई स्टोरेज नहीं है, केवल आप निकनैक्स यहाँ पे रख सकते हैं। तो दिस इज़ द EV1 इलेक्ट्रिक कार जो कि अभी बस शोकेस करी है हाइमा ग्रुप ने, हाइमा ग्रुप के स्टॉल में। ये इंडिया में बनाई जाएगी इन पार्टनरशिप विद द बर्ड ग्रुप। तो ये थी EV1 गाड़ी, एक बार हम पीछे देख लेते हैं, सॉरी पीछे से मैं आपको नहीं दिखाया। ये टेल लैम्प डिज़ाइन हमने आजकल काफ़ी गाड़ियों में देखा है इस तरह का, ये बर्ड ऑटोमोटिव का ये ऐसा साइन है, हेलो इलेक्ट्रिक चाइनीज था, तो वही सी या चाइनीज आई थिंक ये CBU लेके आए हैं फॉर ऑटो एक्सपो, एंड बूट कोई बहुत बड़ा नहीं है, बेसिकली अ स्मॉल कॉम्पैक्ट कार। यहाँ पे एक और नहीं, यहाँ पे चार्जिंग नहीं है, सॉरी, एंड चार्जिंग वहीं पे है आगे, एंड ये अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। सो दिस वाज EV1 इलेक्ट्रिक कार शोकेस्ड इन द हाइमा पवेलियन एट ऑटो एक्सपो 2020।